नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा नियुक्त अमीनों को मंत्री नीरज कुमार बबलू ने आज नियुक्ति पत्र दिया। अरण्य भवन में हुए कार्यक्रम में मंत्री नीरज बबलू ने 40 अमीनों को नियुक्ति पत्र दिया। ये अमीन बीपीएससी से चयनित हुए हैं। वहीं मंत्री नीरज बबलू ने सभी को शुभकामनाएं भी दी हैं। वहीं मंत्री ने कहा कि जमीन के अतिक्रमण को रोकने को लेकर अमीन की बड़ी भूमिका है, जबकि मंत्री ने बिहार में एक और टाइगर रिजर्व कैमूर में खोलने की प्रक्रिया है, इसकी जानकारी दी। साथ ही राज्य में ग्रीन एरिया को बढ़ावा देने के लिए लगातार वृक्षारोपण किए जाने की बातें भी दोहराई है। श्री जर्जा रेगन कुमार, श्री मुकुल कुमार श्रीवास्तव, श्री हरिओम कुमार, श्री चंदन कुमार, सुश्री ज्योति कुमारी, फॉरेस्ट के लिए। देखिए, फॉरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट पूरी तरह संकल्पित है, लगातार लगी रहती है कि सबसे पहले ग्रीन कवर जो है उसको हम लोग और बढ़ाएं। उसके लिए प्लांटेशन का जो अभियान है वो अनवरत अभी चलता रहेगा हमारा। और जो नए फॉरेस्ट एरिया है कैमूर में, उसे टाइगर रिजर्व के रूप में केंद्र से सहमति मिली है कि हम लोग एक और नया टाइगर रिजर्व बिहार में बनाएं, तो इसके लिए काम चल रहा है। केंद्र के संपर्क में है, केंद्र से जो भी मदद हो पाएगा हम लोग उसको नया टाइगर रिजर्व बिहार में एक और बनाएंगे जल्दी। टूरिस्ट के लिए सर क्या कुछ किया जा रहा है? टूरिस्ट के लिए आप देख रहे हैं कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमारे डिपार्टमेंट में एक अलग विंग तैयार किया गया है। अभी आप देख रहे हैं कि राजगीर में जिस तरह से टूरिस्ट काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़े हैं, नेचर सफारी सफारी जो है उन पर फर्जी वेबसाइट बना लिया गया था और बुकिंग भी उसकी शुरू हो गई थी ऑनलाइन। ऑनलाइन टिकट ले रहा था। ऑनलाइन टिकट का सिस्टम हमारा है, ऑनलाइन टिकट मिलता है। अगर फर्जी कहीं कोई बनाया तो तुरंत कार्रवाई होगी, अविलंब कार्रवाई होगी उस पर। कोई फर्जीगिरी अगर कहीं से कोई करता है तो उस पर कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारा डिपार्टमेंट का अपना वेबसाइट है उस पर काम हो रहा है। सर, वहाँ पे विजिटर काफी संख्या में पहुँच रहा है, लेकिन वहाँ टिकट की समस्या जो है कैपेसिटी पे डिपेंड, कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ जो कैपेसिटी है हम उसी के अनुसार काम करेंगे। अगर हमारे पास एक दिन में 500 लोगों को घुमाने की कैपेसिटी है, 5000 लोग आ जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? पर हम कोशिश करेंगे उसको धीरे धीरे बैलेंस करें, कैपेसिटी बढ़ाएं और जरूरत पड़े तो दूसरा भी हम लोग खोलेंगे, ये हम लोग प्रयास करेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए नेशन भारत न्यूज। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।